नमस्कार, मैं रंजन सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। भारतीय किसान यूनियन द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 12 दिन से लगातार अनिश्चितकालीन धरना जारी है, जिसमें 4 दिन पहले भारतीय किसान यूनियन द्वारा महापंचायत का भी आयोजन किया गया था, जिसमें अधिकारियों द्वारा वार्ता विफल रही। वार्ता विफल रहने के बाद से ही अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। धामपुर तहसील क्षेत्र के तमाम किसान दिन रात धरने पर बैठे हैं और किसानों का लंगर भी जारी है, जहां पर दूर दराज से आए किसान लामबंद भी कर सकते हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, यह धरना इसी तरह चलता रहेगा। धरने में विजय जैन, कविराज, सुनील प्रधान, चौधरी राजेंद्र सिंह, गजेंद्र टिकैत आदि दर्जनों किसान मौजूद रहे। धामपुर से हमारे संवाददाता दिनेश कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह, तहसील अध्यक्ष धामपुर भारतीय किसान यूनियन। ये धामपुर उप जिलाधिकारी प्रांगण में अनिश्चितकाल धरना चल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले आपकी महापंचायत भी हुई थी, जिसमें वार्ता विफल रही, क्या कुछ कहना है आपका? देखो, भारतीय किसान यूनियन का धरना अनिश्चितकालीन आज 12वां दिन है। सरकार की बहुत सारी कमियां हैं, सरकार किसानों के बारे में सोचती नहीं है और सरकार लगातार किसानों का दमन नीति अपनाए हुए है। इसी के विरोध में यहाँ अनिश्चितकालीन धरना शुरू है। हमारी जिला स्तर की एक पंचायत हुई थी, उसमें 2-3 बार वार्ता हुई, लेकिन वार्ता 0 नतीजे पर रही। ADM साहब भी आए, SP पूर्वी भी थे और भी विभागों के आदमी थे, कहीं भी किसी भी बात का कोई निर्णय लेने को तैयार नहीं है। यहाँ का प्रशासन पूरे जोर आजमाइश कर रहा है किसानों के साथ के किस तरह से ये घर घूम गए, लेकिन हमारा किसान ना कमजोर था, ना कमजोर है, ना कमजोर होगा। हमारी लड़ाई आर पार की है। जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जानेगी, हम यहाँ से वापस जाने वाले नहीं है। मुख्य क्या मांगे हैं आप लोगों की? मुख्य मांगे हैं, देखो, दाखिल खारिज। यहाँ तहसील में बंद पड़ा हर एक तरह का, किसी भी तरह का दाखिल खारिज। अफजलगढ़ क्षेत्र के 12 गाँव है, उनके दाखिल खारिज बंद, पता नहीं कौन से रूप में बंद कर रखे हैं। बहुत सारे गांव की खतौनी बंद हैं, सट्टे उनके नहीं होते। 70 साल से वो किसान वहां रह रहे हैं, तो सरकार ने क्यों बसा रखा था भाई? जब से उनके मालिकाना हक उन्हें चाहिए। पीली डाम बांध में जमीन दी किसानों ने, उन्हें ना तो मुआवजा दिया गया, ना जमीन के बदले जमीन दी गई। तो बहुत सारी मांगे ऐसी हैं कि आज तक किसी भी सरकार ने उनका समाधान नहीं करा। हमारी लड़ाई जारी है और जारी रहेगी। हमने रूपरेखा अपनी तैयार कर ली है। हमारे हाजी जी निजामुद्दीन साहब हैं शेरकोट से, ये आज अनशन पर बैठे हैं और ये प्रक्रिया प्रतिदिन जारी रहेगी। मलिक POB कॉन्ट्रैक्टर, स्पेशल फॉल सीलिंग, जिप्सम सीलिंग वॉल, सीलिंग बढ़िया क्वालिटी उचित दामों पर करवाने के लिए संपर्क करें। मलिक POB कॉन्ट्रैक्टर, नूर मस्जिद, वाहिद नगर, नजीबाबाद। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।